जिस तरह से रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन कर दिए, उसी तरीके से चाइना एक दिन ताइवान पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि चाइना ताइवान को उन्हीं का पार्ट मानता है जबकि ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। दोनों की मिलिट्री में भी बहुत ज्यादा अंतर है। चाइना के पास में 31 लाख से ज्यादा सोल्जर्स और ताइवान के पास में केवल 16 लाख सोल्जर्स है। चाइना के पास में 1200 से ज्यादा फाइटर जेट्स, 80 सबमरीन्स और यहाँ तक की 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी है, जबकि ताइवान के पास में 290 फाइटर्स और केवल 4 सबमरीन्स है और कोई भी कैरियर नहीं है। इसके अलावा ताइवान का डिफेंस बजट भी 16 बिलियन डॉलर्स का ही है, जबकि चाइना हर साल अपनी मिलिट्री पर 250 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्च करता है। अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है और कोई देश उसके बचाव में नहीं आता है, तो चाइना कुछ ही दिनों में ताइवान को बड़ी ही आसानी से इन्वेड कर सकता है।